आदरणीय मित्र, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, हमारे परमाराध्य, हमारे गुरु स्वरूप, हमारे सखा श्री कल्कि अवतार बार बार कहते हैं कि सखे हमें दूर रहना चाहिए पाप से, लेकिन पापी से दूरी नहीं बनाओ, हमें घृणा करना चाहिए पाप से लेकिन पापी से नहीं। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि यदि वह पापी हमारी बात न माने, वह अधर्म अनीति अन्याय को यदि न माने पाप, तो हमें क्या करना चाहिए। और तीसरा तथ्य है कि श्री कल्कि अवतार किन्हें पाप मानेंगे, वैसे होंगे क्या क्या जिन्हें वे पाप मानेंगे और जिनसे दूर रहने की सलाह दिया करेंगे। तो ये तीन है तथ्य, अब हम तीनों के जवाब आपके सामने रख रहे हैं। और मित्रों, आप सुनने के बाद अपनी राय हमें जरूर लिखकर भेजेंगे। तो मित्रों, सबसे पहला तथ्य कि पाप से घृणा करो और पापी से नहीं। आप जितने भी शास्त्र पढ़ें और प्रेरक उत्प्रेरक कहानियां पढ़ें, एक संदेश मिलता है कि हमें अधर्म अनीति अन्याय पाप से तो घृणा होनी चाहिए, हम उनसे परहेज तो करें, लेकिन जो लिप्त है इस कर्म में, वैसे लोगों से, जीव से, व्यक्ति से हम घृणा न करें। यदि हम व्यक्ति विशेष से घृणा लेंगे कर, तो फिर वह व्यक्ति कैसे सुधरेगा, वह व्यक्ति फिर पाप से दूर होगा कैसे। इसीलिए हमें ऐसा नहीं है करना, हमें करना है कि व्यक्ति को अपना बनाना है, व्यक्ति को लगाना है गले और अपने संस्कार उसमें डालने हैं। जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता डंक मारना, तो फिर हम चंदन अपना सुगंध अपना स्वभाव कैसे त्याग सकते हैं। आप राम जी की जीवनी को लीजिए, देखिए राम ने अपने जीवन में आचरण द्वारा यह सिखाया है। जब रावण है पड़ा हुआ मृत्यु सैया पर और राम जी ने ही मारा है उन्हें, अब उसके प्राण निकलने वाले हैं, और कहा जाता है कि उस समय भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ भैया, और एक महापंडित महाज्ञानी संसार से जा रहा है, विदा हो रहा है, जाकर उससे कुछ सीख लो। अभी भी वह चाहे तो एक दो बातें वैसी बता सकता है जो कि जीवन भर आए काम किसी के। अब देखिए भावना कि रावण राम जी के शत्रु, जिन्हें अभी अभी राम जी ने नाभि में तीर मारा, और वह अब विदा होने वाला है संसार से, वैसे व्यक्ति से भी राम जी को नहीं है घृणा, शत्रु है तो क्या। तो राम जी को रावण से घृणा नहीं थी, रावणत्व से थी घृणा। रावण में जो विकार अधर्म अनीति थे, अन्याय थे, वे उनसे ही घृणा करते थे, रावण से नहीं। वैसे ही देखिए कि जब श्री लक्ष्मण जी ने मेघनाद को वाण मारा, मेघनाद जमीन पर गिरा, मेघनाद का वध हो गया, तो मेघनाद की लाश को लंका में भेजा जा रहा है सम्मान के साथ। वहां पर श्री राम जी ने अपना ही वस्त्र देह पर का उतारा और मेघनाद की लाश पर उसे ओढ़ा दिया, ढक दिया, सम्मान देने के भाव लाश को।
राम जी को मेघनाथ से यदि होती घृणा तो फिर अपना वस्त्र उतार कर लाश पर नहीं ढकते। दोस्तों, व्यक्ति महान बनता है तभी जब उसमें उदारता हो, प्रेम हो, सामंजस्य हो, सहकार हो, लोक मंगल की भावना हो, वह तभी महान बनता है और संसार में वंदनीय होता है। दोस्तों, ऐसे उदाहरण सभी महापुरुषों के जीवन में मिलते हैं। कोई ना कोई घटना वैसी घट ही जाती है कि जहां दिखता है कि वे व्यक्ति विशेष से बैर का भाव नहीं रखते, वे व्यक्ति में छिपे विकार, बुराई, वासना, तृष्णा को दूर भगाना चाहते हैं। दोस्तों, अब दूसरा है तथ्य कि यदि व्यक्ति यह नहीं माने कि हमें पाप है, बुराई है, अधर्म है, अनीति है, अन्याय है, तो हम क्या करेंगे? व्यक्ति हमारी बात माने तब तो भाई, बात माने या न माने, आप अपना फर्ज, अपना धर्म, अपना कर्तव्य को निभाते चलिए। यदि वह व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो हम अपना स्वभाव कैसे त्याग देंगे? ठीक है, और एक दिन उसे एहसास होगा ही कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है। हाँ, अभी तुरंत ना हो, लेकिन होगा, आज कल परसों तरसों वर्षों बाद भी उसे इस बात का एहसास होगा और वह पाप का पथ त्यागने का सोचेगा और वह त्याग देगा। दोस्तों, बहुत बार हमें साम दाम दंड भेद भी अपनाना पड़ता है व्यक्ति को पाप के रास्ते से हटाने के लिए। साम कहते हैं समझाना, बुझाना, दाम लोभ लालच दे करके भी उसे पाप के रास्ते से हटाना, और तीसरा रास्ता है दंड का। यदि हम सक्षम हैं तो उसे दंड भी देकर, भय भी दिखाकर सही रास्ते पर ले आ सकते हैं, और यदि हम इसमें सक्षम नहीं है तो भेद का रास्ता अपनाना होगा। भेद यानी कि जो संगठन, समूह, समुच्चय है पापियों का, उसे तोड़ो, विलगाव हो जाए संगठन में उसके, आपस में ही वे झगड़ जाएं, क्योंकि अधर्मियों का संगठन बड़ा जल्दी बन जाता है। हाँ, संगठन उसका छोटा हो बड़ा हो, लेकिन होता है, दो चार लोगों का भी होता अवश्य है, और अगर हम उसके संगठन को ही तोड़ दें, भेद पैदा दें करके, तो वे हो जाएंगे कमजोर, और फिर उन्हें अधर्म के रास्ते से हटाना आसान हो जाएगा। अब जो तीसरा है तथ्य कि श्री कल्कि अवतार किनसे घृणा करेंगे, वे कौन कौन से होंगे पाप? तो भाई पाप वे ही पाप हैं जहां जहां रहता है यह कलयुग। तो यह कलयुग कहां कहां रहता है पता है? आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वो पांच स्थान हैं। एक है हिंसा, हिंसा मारपीट, गाली गलौज वगैरह। दूसरा व्यभिचार, दूसरे स्त्री पुरुषों के साथ में शारीरिक संबंध रखना। तीसरा जुआ, जुआ खेलना, जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह। और चौथा है नशा, दारू, भांग, गाजा, हफीम, चर्स, हेरोइन वगैरह वगैरह। और अंतिम स्थान है उसका लालच, अति लालच, यानी सोना, स्वर्ण। तो भगवान इन सब से घृणा करेंगे और सबको दूर रहने का संकल्प दिलाएंगे। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वे अंधविश्वास और संकीर्णता से दूर रहने का संदेश दिया करेंगे। दोस्तों, वैसे तो वे कहते हैं कि सखे, यदि मैं उच्च चेतनात्मक स्तर से देखता हूं तो पाप क्या, पुण्य क्या, अच्छा बुरा, मान अपमान वे हमें दिखते ही नहीं है,
उच्च चेतनात्मक स्तर से हमें सब कुछ समान ही दिखता है, लेकिन जब हम उससे नीचे आते हैं अर्थात मध्यम चेतनात्मक स्तर से जब हम देखते हैं तो दिखता है पाप पुण्य अच्छा बुरा मान अपमान ये सारे द्वंद्व। और जब हम निम्न स्तर से देखते हैं तो फिर हमें केवल एक ही दिखता है, वह केवल अपना ही पक्ष दिखता है और वह अपना पक्ष हमें अच्छा लगता है। तो दोस्तों अब अधिक विस्तार नहीं, आपके अगर हो प्रश्न कोई तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, उसके जवाब हम आपको देते रहेंगे। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल्कि सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले। व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। धन्यवाद।